तो अनदर मोटर व्लॉग निकल पड़े घर के लिए। Hey guys, so welcome back to another moto vlog। And मैंने ये दोबारा से ट्राई किया था मोटो व्लॉगिंग करने का, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये माइक्रोफोन माइक्रोफोन सही है, बहुत अच्छा क्वालिटी का मैंने माइक्रोफोन लिया, एक्सट्रीम अकोस्टिक्स का ये माइक्रोफोन था, बट आई डोंट नो व्हाई ये मेरा जब हेलमेट के अंदर में डाला एंड यहाँ पे जैसी भाई ये तो याद रहेगा, अचानक से स्कूटी रोक दिया था। रात के टाइम में अंधेरा इतना रहता है, ऊपर से ट्रक्स वगैरह सब चलता है, उसमें भी लोग ऐसे अचानक से सिगरेट एंड ऊपर से आप लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो बंदा सिगरेट फूंक रहा था बाइक स्कूटी चलाते चलाते, एंड यही सब रीजंस के कारण रात को एक्सीडेंट्स होने का चांसेस बहुत रहता है, ऊपर से भाई ट्रक चलता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो ये सब में। एनीवेज जो मैं बोल रहा था, मेरा जो हेलमेट है वो फुल फेस हेलमेट है, लेकिन वो ऑफ रोड डिज़ाइन वाला हेलमेट है, जिसके कारण विंड ब्लास्ट आता है, विंड अंदर में घुसता है। फुल्ली अगर फुल फेस हेलमेट रहता ना कॉम्पैक्ट सा, तो शायद मेरे को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम जो मेरे को हो रहा है माइक्रोफोन के साथ, मफल्ड आवाज़ और विंड ब्लास्ट का जो आवाज़ होता है नॉइज़ का, वो सब अवॉइड हो सकता है अगर मैं एक फुल फेस कॉम्पैक्ट सा हेलमेट लूँ तो। स्टिल अभी वो ट्राई करूँगा मैं लेने का। एंड बाय द वे अभी ये रात का टाइम है, करीबन 9:30 बज रहा था एंड जस्ट मैं एक राइड के लिए निकला था वापस से। इस टाइम भैया के साथ मैं था, भैया वैसे बांधनाघाट एरिया में ही था, तो वो थोड़ा सा दोस्त लोग से मिलने गया था, तो वहाँ से हम दोनों एक साथ ही निकले थे घर के लिए एंड डिनर करते हुए जा रहे थे घर। बाय द वे डिनर हम लोग जहाँ किए वो था सिप एंड बाइट्स, एंड भाई मेरा जो यहाँ पे कटा है ना, मेरा तो ऑलरेडी पेट भरा हुआ था बिकॉज ऑफ दैट चिकन नूडल्स। भैया तो रोल अपना ऑर्डर कर लिया था, तो रोल तो बहुत सही बनाता है वो लोग, बट मैंने ऑर्डर किया था चिकन कबाब हाफ प्लेट, एंड भाई सच बता रहे 110 रुपये मेरा पूरा वहाँ पे वेस्ट गया, टोटल वेस्ट। मैंने वो पोर्शन का वो वीडियो नहीं लिया उस टाइम, बट मैं आपको बता दूँ, एक जो कबाब होता है ना नॉर्मली, जो एक सिंगल पीस जो होता है कबाब का, उसका हाफ का भी हाफ साइज़ था, उसका लिटरली क्वार्टर साइज़ में था वो, मेरा एक एक पीस 1 इंच का था। इट वॉज़ टोटल वेस्टेज ऑफ मनी, मेरा 110 रुपये पूरा बर्बाद, एंड उसमें चिकन कम प्याज ज़्यादा था। तो अगर आप लोग सिप एंड बाइट्स आ रहे हैं तो कभी भी यहाँ का चिकन कबाब ट्राई मत करिएगा, बिकॉज एकदम वैल्यू फॉर मनी नहीं है, एंड मेरे को तो देख के लगा कि शायद ये 30-40 रुपये का होगा, 110 रुपया भाई इट वॉज नॉट एट ऑल वर्थ इट। एंड रात का टाइम था तो ठंड भी अच्छा खासा हो गया था, ऐसे सुबह से शाम तक में समझ में नहीं आता, लेकिन रात के टाइम में हल्का जब बाइक चला रहा होता हूँ ना तब ठंड लगता है, समझ में आता है कि ठंड है। अभी वैसे कुछ वेदर का कुछ बोल नहीं सकते, कभी गर्म हो रहा है कभी ठंड पड़ रहा है, ये जो सीजन चेंज है इसी के कारण बहुत बीमार भी होता हूँ। एनीवेज यहाँ पर जो मैं जितना भी मोटो व्लॉग करने का कोशिश किया था, आवाज़ मेरा पूरा मफल्ड आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा ऑडियो तो चला के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं एक वॉइस ओवर ही दे दूं, तो वॉइस ओवर मैं अभी ये दे रहा हूं। एनीवेज अभी का तो ये वीडियो मैं यहीं तक रख रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू सपोर्ट, एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज़ बनाने का भी। तो एनीवेज गाइज मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से ऐसी अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय। I'm not afraid to die.